तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं आ गई हूँ नई वीडियो के साथ, लेकर आई हूँ सोहक यानी कि मोहक नारंग एंड सुरभि राठौर के आज की अपडेट। तो गाइस, वैसे तो ये कमेंट वाली वीडियो है, इसमें मैंने आप लोगों के सारे कमेंट्स को शामिल किया है, बट छोटी सी अपडेट मैं यहाँ पर दे देती हूँ। जैसा कि आप लोगों ने इंस्टाग्राम की स्टोरी देख ली होगी मोहक एंड सुरभि की, मोहक ने कुछ जिम वाली एंड कुछ इंस्पायरिंग वीडियो शेयर की हमारे साथ। एंड रात को भी मोहक ने स्नैपचैट पर इसी तरह की कुछ वीडियो शेयर की थी, जो कि आपने मेरी मॉर्निंग वाली वीडियो में देख ली होगी। एंड गाइज, अब बात करें सुरभि की, तो सुरभि ने कुछ वापस से वीडियो कोटेशन वाली शेयर की है अपने इंस्टाग्राम पर। तो सुरभि की उस वीडियो को हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में, यानी कि इस वीडियो के बाद एक और वीडियो आएगी जो कि कमेंट वाली वीडियो ही है। क्योंकि गाइज, आप लोगों के काफी सारे कमेंट है एक्साइटमेंट वाले, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि मैं सभी के कमेंट को ऐड करूंगी। तो गाइज, इतने कमेंट तो एक वीडियो में शामिल करना इम्पॉसिबल है, बिकॉज 20 मिनट की वीडियो हो जाएगी। तो गाइज, कमेंट वाली दो वीडियो आएंगी, इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम सुरभि की उस वीडियो को डिस्कस करेंगे। तो आइए गाइज, टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले देखते हैं कमेंट। प्राप्ति जोशी ने कमेंट किया, धीरे धीरे सब पता चलेगा, ऐसा तो नहीं होगा कि ये टॉपिक कभी निकलेगा ही नहीं, धीरे धीरे सब क्लियर होगा। तो तृप्ति, आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपका कमेंट। एंड गाइज, ऐसी चीजें धीरे धीरे ही पता चलती है, एकदम से कोई कुछ नहीं कह देता आकर की, क्योंकि ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। एंड अगर ये एकदम से कुछ बोलेंगे या कुछ करेंगे तो इनके फैंस इनसे हेट ही करेंगे, एंड चीजें सही होने की जगह गलत दिशा में भी जा सकती है। निशा प्रजापति ने कमेंट किया है, बट कुछ भी हो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है सभी सोहकियंस के लिए, आई एम वेरी एक्साइटेड, अब वेट नहीं हो रहा है 15 अक्टूबर का, पता नहीं कैसे कटेंगे ये दिन। तो हाँ गाइस, सभी एक्साइटेड हैं, एंड सोहकियंस के लिए तो काफी बड़ा दिन होगा 15 अक्टूबर, जबकि सोहक का गाना आएगा। एंड बाय द वे गाइस, ये वाला गाना पहले वाले सॉन्ग के साथ ही शूट हुआ था, तो गाइस अभी कुछ कहना सही नहीं होगा। चंद्रिका पुरोहित ने कमेंट किया, वाव आई एम सो एक्साइटेड। सोहक फैंस ने कमेंट किया है, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बैक एंड सेकेंड सॉन्ग आने वाला है। तो हाँ गाइस, हम सभी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है सेकेंड सॉन्ग के लिए। एंड रही बात मोहक एंड सुरभि के साथ में आने की, तो गाइज ये तो हमें सॉन्ग के आने के बाद ही पता चलेगा। निशा प्रजापति ने सेकंड कमेंट किया है, वैसे एक बात है, सोहक साथ में भी पोस्ट कर सकते थे वो फोटो, आई मीन कि अलग अलग पोस्ट ना करके एक ही पोस्ट साथ में डाल सकते थे, बट उन्होंने अलग अलग ही पोस्ट किया। तो गाइज, यहाँ पर मैं एक चीज और क्लियर कर देती हूँ आप लोगों को, इन्होंने एक दूसरे के पोस्टर को लाइक भी नहीं किया है, जस्ट मेरे माइंड में आया तो मैंने आप लोगों को बता दिया। जिंटू पटवारी ने कमेंट किया, दी आयुष ने जो बोला है उसके ऊपर जल्दी वीडियो बनाओ। तो गाइज, आप लोगों ने यूट्यूब पर ऐसी वीडियो देखी होगी कि आयुष यादव ने बोला है कि लड़कियां जो वीडियो बनाती है उस पर यकीन नहीं करना चाहिए, दोनों साइड सुननी चाहिए हमें कि लड़का क्या कह रहा है, लड़के की भी सुननी चाहिए। तो गाइज, यहाँ पर तो गाइज मैंने भी वो वीडियो देखी थी, ना आप लोग मुझे भी बोल रहे थे कि आयुष ने ऐसा बोला है, आप भी वीडियो बनाओ। तो गाइज, जब तक मैं श्योर नहीं होती किसी चीज को लेकर, तब मैं वीडियो नहीं बनाती। एंड गाइज, मैं बिल्कुल सही निकली यहाँ पर, क्योंकि वो वीडियो 5 महीने पुरानी है। जी हाँ गाइज, वो 5 महीने पुराना लाइव है आयुष का, ना कि अभी का। तो गाइज, मुझे पता नहीं लोग ऐसे फेक न्यूज क्यों फैला रहे हैं, ऐसे गलत गलत न्यूज क्यों फैला रहे हैं, क्यों पुराने लाइव को लेकर अभी की बात कर रहे हैं सिर्फ व्यू के चक्कर में। इन यहाँ पर मैं उन लोगों से बोलना चाहूंगी कि व्यू के चक्कर में कुछ भी क्या मिलेगा आप लोगों को, कुछ व्यू मिल जाएंगे, कुछ पैसे मिल जाएंगे तो ऐसी गलत न्यूज फैलाने से। एंड यहाँ मैं सोचकर बहुत ही हैरान हूँ कि आयुष को 5 महीने पहले ही सपना आ गया था कि मोहक सुरभि अलग होने वाले हैं, उनका झगड़ा होने वाला है। एंड 5 महीने पहले ही उन्होंने मोहक की साइड ले ली थी, एंड बता दिया था कि मोहक गलत नहीं है, उनको पता था कि सुरभि ऐसी वीडियो बनाने वाली है। गाइस, हद होती है किसी भी चीज की, एंड आप लोग उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, आप लोगों के कमेंट्स भी मैंने वहां जाकर पढ़े हैं। गाइस, थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर रखिए, एंड थोड़ी सी जांच पड़ताल कर लिया कीजिए कि जो न्यूज आप देख रहे हैं वो सही है या नहीं। ऐसी कितनी ही फेक न्यूज आपको मिल जाएगी, एंड आप लोग उस पर यकीन भी कर लेते हैं। एंड यही रिप्लाई मैंने आपको वहां भी दिया था, तो आपका रिप्लाई आया था कि बट उन दोनों का रिश्ता तो बहुत पहले ही खत्म हो गया था, तो यहाँ अब आपको क्लियर हो गया होगा कि वो वीडियो ही पुरानी थी। सूरज राठौर ने कमेंट किया है, आप दोनों की क्या जोड़ी है, भगवान करे ये जोड़ी हमेशा सलामत रहे। मेघा भारद्वाज ने कमेंट किया, आई एम वेरी एक्साइटेड। कोसर बेगम ने इमोजी शेयर की है। लकीदास अधिकारी ने कमेंट किया है, एक्साइटेड वेटिंग। VGVH ने कमेंट किया है, आप सभी मिलकर सॉन्ग को इतना प्यार दिखाओ कि सॉन्ग बहुत ज्यादा हिट हो जाए और हमारा सॉन्ग वापस आ जाए, आई एम सो एक्साइटेड, 15 अक्टूबर, लव दिस डे यार, जल्दी से आ जाए। तो हाँ गाइज, मेरा भी यही कहना है कि हमें सॉन्ग को काफी ज्यादा प्रमोट करना होगा एंड काफी ज्यादा सपोर्ट करना होगा, तभी हमारे सॉन्ग खुश होंगे। एंड गाइज, मैं भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ 15 अक्टूबर के लिए, जल्दी से वो दिन आ जाए ताकि हम सॉन्ग देख पाए। जियान अहमद ने कमेंट किया, माशाल्लाह दोनों में यही दुआ करती थी सोहक। नम्रता ने कमेंट किया, प्लीज मेरे कमेंट को रिप्लाई दो। तो हाय नम्रता, कैसी हैं आप? एंड मैंने आपके कमेंट का रिप्लाई दे दिया। सोनिशा ने कमेंट किया है, लग रहा है कि दोनों साथ में सरप्राइज देंगे जब सॉन्ग रिलीज होगा। जूनी ने कमेंट किया, हेलो मैम। तो हाय जूनी, कैसी हैं आप? काफी दिनों बाद हमने कमेंट किया। रुकैया ने कमेंट किया है, यस दी मैं आजकल बहुत कम फोन यूज कर रही हूँ, तो मुझे पता नहीं है कि क्या हो रहा है, कोई बता दो। श्रुति ने कमेंट किया, मैं बहुत खुश हूँ, जल्दी से मोहक सुरभि वापस आ जाए। मैंने कमेंट किया, दी सोहक जरूर आएगा, बस थोड़ा सबर करो। श्रुति ने अगला कमेंट किया, वी वॉन्ट सोहक बैक। अलवीरा अंसारी ने कमेंट किया, हाँ दी सच में
मैं भी इमोशनल हो गई थी, तो हम सभी इमोशनल हो गए थे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इतने दिनों बाद हमें कुछ खुशी के पल मिले हैं। निहार खातून ने कमेंट किया, आई एम सो हैप्पी सोहक मिलेंगे एक साथ, आप मेरे कमेंट क्यों नहीं पढ़ती हो। तो मुझे याद है कि मैंने आपका कमेंट कल भी शामिल किया था आई थिंक सो, आप कमेंट वाली वीडियो अगर पूरी देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मैंने कमेंट किया दी, अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही होगा, अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो शायद सोहक भी आएगा। सानिया क्यून ने कमेंट किया है, दी मैंने आपको इंस्टाग्राम पे कुछ भेजा है, प्लीज देख लो। तो ओके सानिया मैं देखती हूँ। आसिफ खान ने कमेंट किया है, दीदी मुझे बहुत खुशी है। आसिफ खान ने अगला कमेंट किया, यस दी इंतजार करना पड़ेगा। तो हाँ गाइस, कुछ भी हो सकता है, हमें वेट भी करना पड़ सकता है, क्या पता ये सॉन्ग के बाद मिले या फिर उसके भी बाद मिले। रेनू जी ने कमेंट किया, कुछ नहीं बोलना, साथ में आएंगे। इवन मोहब्बत सॉन्ग के भी दोनों ने कोई प्रमोशन नहीं किया था, दोनों ने सिर्फ पोस्टर ही डाला था। जितना प्रमोशन मोहक ने कॉफी सॉन्ग का किया उससे 1% भी नहीं किया था। मोहक की इंस्टा में कॉफी सॉन्ग के 5-6 पोस्ट हैं अभी भी, बट मोहब्बत सॉन्ग का सिर्फ एक ही है। नजरीना ने कमेंट किया, दीदी क्या इन नजरीना ने कमेंट किया, दीदी क्या इनका हमें व्लॉग देखने को मिलेगा। तो पता नहीं नजरीना, अभी हम कुछ नहीं कह सकते, हमें टाइम के साथ ही पता चलेगा। किशु माली ने कमेंट किया, दी थैंक यू सो मच फॉर अपडेट, सच बताऊं तो इन 4 महीनों में आपने हमारी बहुत हेल्प की है, हर चीज की अपडेट, होप डेट सोहक आएगा एंड फाइनली आवर ड्रीम कम ट्रू, लव यू सोहक। तो थैंक यू सो मच किशु माली जी इतना अच्छा कमेंट करने के लिए। आशा दे ने कमेंट किया, थैंक यू दी मेरी क्यूट क्यूटेस्ट दी, हो कैसे हो आप, तो मैं अच्छी हूँ आशा, आप बताना आप कैसी हैं। अन्नपूर्णा दास ने कमेंट किया, बिलीव नहीं हो रहा है वो दोनों सच में वापस आएंगे, आई डाउट, ओके वेट एंड वॉच, वी होप सोहक कम बैक सून। तो सॉन्ग तो आ ही गया है, देखना ये होगा कि सोहक वापस आता है या नहीं, हम सिर्फ वेट ही कर सकते हैं। दिया ने कमेंट किया, आई थिंक सेकेंड सॉन्ग नहीं आ रहा था, यही वजह है सोहक की लड़ाई की, वॉट एवर, अब सोहक जल्दी जल्दी न्यू रील्स एंड व्लॉग बनाए। रोजीना परवीन ने कमेंट किया, दी मैं घर पर नहीं हूँ और ये मेरा रिलेटिव का फोन है जिसमें इंस्टाग्राम नहीं है, तो क्या आप बता सकते हो क्या सुरभि दी और मोहक भैया ने ये सेकेंड सॉन्ग की पोस्ट इंस्टाग्राम पर डाली थी, प्लीज मुझे बता दो। तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकती है इसके लिए। निशा प्रजापति ने कमेंट किया, बट कुछ भी हो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है सभी सोहकियंस के लिए। टेक मोड मोड ने काफी सारे फनी कमेंट किए हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं, आपको काफी ज्यादा हंसी आएगी पढ़कर। पॉम्पे बर्मुडाई ने कमेंट किया, वी वॉन्ट टू सोहक बेक मिस यू सोहक। तो बस गाइस, अभी की वीडियो में इतने ही कमेंट को मैंने शामिल किए हैं। अगर आपको लगता है कि आपका कमेंट छूट गया है तो इसके बाद मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगी कमेंट वाली, जिसमें कि हो सकता है आपका कमेंट हो। एंड आप इस कमेंट वाली वीडियो में ये मत बोलना कि मैंने आपका कमेंट शामिल नहीं किया, एक और वीडियो आने वाली है गाइस, वेट। एंड इसीलिए मैं इस वीडियो को जल्दी खत्म कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एक वीडियो और बनानी है। तो बस गाइस, अभी की वीडियो में इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, बाय।